नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू से आपसे वार्ता कर रही हूँ। व्याख्यान माला के आगे के चरण में मैं भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या करूँगी। आज पद संख्या है 175। पद संख्या है 173। उदो लहनो अपनों पे। प्रस्तुत प्रसंग के अंदर गोपियों का उद्धव से बहुत सा वार्तालाप होता है। इस समय वे ऐसी स्थिति में आ जाती है कि अपने दुख को अपने भाग्य का दोष मानकर ही सहन करने की बात कहती है। फलतः वे उद्धव के प्रति अत्यंत नम्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करते हुए कहती है कि हे उद्धव, सबको अपना अपना लहना ही मिलता है। उदो लहनो अपनों पे, पे माने प्राप्त होना, और सबको भाग्य में लिखा हुआ ही प्राप्त होता है कि हे उद्धव, जो कुछ विधना रची सो भइए, आन सोचने लगे, जो कुछ किसी के भाग्य में परमेश्वर ने लिख दिया है वही होता है। इसलिए किसी दूसरे को दोष नहीं लगाना चाहिए, आन दोष न लगे, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। कहिए कहाँ जो कहत बनाई, सोच रिधे पछताइए। जो भाग्य के द्वारा अवस्था बनाई है उसके बारे में कहने से क्या लाभ है। अपने भाग्य की बात सोचकर व्यर्थ ही हृदय में पश्चाताप करना है। सोच रिधे पछताइए, हृदय में पश्चाताप करना है। ये भाग्य की ही तो बात है। कुब्जा वर पावे मोहन सो, कुब्जा तो श्री कृष्ण जैसा वर प्राप्त करती है, और हमें ही जोग बताइए, और हम गोपिकाएं जो कि श्री कृष्ण की प्रिय रही हैं, अब वे योग साधना का उपदेश बतलाते हैं। आज्ञा हो सोई तुम कहियो, कही हो आपकी जैसी आज्ञा हो वही हम आपसे कहती हैं कि आप उन्हें कह दें। अतः आप जैसा उत्तर देते हो हमें आज्ञा देते हो वही हम उत्तर श्री कृष्ण के लिए देती हैं। पर आप श्री कृष्ण से यह बात कहने के पश्चात हमारी एक विनती अवश्य सुना देना। आज्ञा हो सोई तुम कही वो विनती यही सुनिए। सूरदास प्रभु कृपा जानी को दर्शन सुधा पीवे। सूरदास जी से गोपियां कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी हैं कि आप श्री कृष्ण से हमारी ये विनती कह देना कि यदि आप हमारी ओर कुछ भी कृपा का भाव रखते हैं तो अपने दर्शन रूपी अमृत का पान हमें करा दें, अर्थात हमें कम से कम दर्शन अवश्य दें। प्रस्तुत पद में गोपियों के भाव हीनता, कातरता और असहायता से पूर्ण है। उनका भाग्यवादी होना निराशा की भावना का द्योतक है। गोपियों की वेदना स्मरणीय है। उधो कहाँ करें ले पाती। प्रस्तुत प्रसंग के अंदर गोपियां उद्धव से पहले तो खींच कर खरी खोटी सुना देती है, पर जब उन्हें ध्यान आता है कि ये तो श्री कृष्ण के सखा हैं, श्री कृष्ण से जाकर कहीं हमारे ऐसे व्यवहार की को न कह दें, तो वे उनसे नम्रतापूर्वक दीनता प्रदर्शित करती हुई वार्तालाप करती हैं और चाहती हैं कि वे श्री कृष्ण के सामने भी कुछ ऐसी ही खुशामद भरी हुई बातें उनकी ओर से कह दें। अतः इस पद में नम्रतापूर्वक उद्धव से कहती है गोपियां, हे उद्धव, हम इस चिट्ठी को लेकर क्या करेंगे, कहाँ करें ले पाती। इस चिट्ठी को लेकर के हम क्या करेंगे। जो लगी ना ही गोपाल ही देखती, विरह दहती मेरी छाती। जब तक हम गोपाल के दर्शन नहीं कर लेते, श्री कृष्ण को देख नहीं लेते, तब तक हमारी छाती इसी तरह जलती रहेगी। अर्थात हमें तो श्री कृष्ण को के दर्शन की चाह है, हम चिट्ठी लेकर के क्या करेंगी। एक गोपी कह रही है, निमिष एक मोही विसरत नाही शरद समय की राती। कि एक क्षण भी मुझे शरद समय की रात्रि है वो विस्मृत नहीं होती है, भूली नहीं जा रही है, क्योंकि उस रात में श्री कृष्ण है वो हमारे साथ रास क्रीड़ा करते थे। वह रात्रि सदैव हृदय में विराजमान रहती है। वह क्षण वह सुख प्रतिक्षण स्मरण आता रहता है। आगे गोपियां कहती हैं,
मन तो तभी ते हरी लीनो जब भयो मदन बराती। गोपियाँ करी हमारा मन तो श्री कृष्ण ने पहले ही चुरा लिया था, पहले ही ले लिया था। हम मेरे मन में तो श्री कृष्ण पहले ही बस चुके हैं जब भयो मदन बराती, जब कामदेव की भावना उदय होने लगी थी। अर्थात यौवन के आगमन पे ही कामदेव उदय होते ही मेरा मन है वो श्री कृष्ण में ही अनुरक्त हो गया था। पर पीर पराई कथ तुम जानो हे उद्धव, ये पराया दुख है, ये पीड़ा है, इसको तुम क्या जानो। तुम तो सखा सगाती, श्याम सगाती, तुम तो श्री कृष्ण के ही सखा हो, क्योंकि श्री कृष्ण भी इस दुख दर्द को नहीं जानते हैं। यदि वे जानते तो हमारी व्यथा को देख करके वे अवश्य हमें व्यथित देख करके दर्शन देते, लेकिन श्री कृष्ण को भी हमारी पीड़ा का नहीं मालूम है। सूरदास स्वामी सो तुम उन्हीं कही वो ठकुर सुहातो। तो सूरदास जी वो कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव तुम पुनः जा कर के खुशामद भरे शब्दों में और बड़ी विनय के भाव से श्री कृष्ण को जाकर के हमारी व्यथा का निवेदन करना, हमारे बारे में बताना।